अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय हो गया है। देश में भक्ति का माहौल है। देश भर के मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। साथ ही कई शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में मेरा गांव मेरी अयोध्या के बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। कहीं कथा तो कहीं अलग अलग कार्यक्रम निरंतर हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे रिपोर्टर पवन धाकड़ ने श्री राम कथा प्रवक्ता परम पूज्य देवी दीपेश्वरी बाईसा से खास चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में होने जा रही भगवान श्री राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज हमारे साथ राष्ट्रीय संत दीपेश्वरी बाईसा जी मौजूद हैं, जो एक कथा प्रवक्ता है। आज 500 वर्षों के बाद भगवान श्री रामलला अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। कुछ ही समय शेष बचा है, जिसको लेकर संपूर्ण तैयारियां पूरे प्रदेश ने जोरों शोरों से कर रखी है। तो वहीं भी देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका अच्छा खासा नजर आ रहा है। हम बात करेंगे अयोध्या को लेकर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बाईसा जी से कि क्या इनके विचार है। सबसे पहले तो बाईसा जी का स्वागत है जी, आप सभी का धन्यवाद। क्या कहेंगे आज 500 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में पुनः कहा जाए तो वापसी कर रहे हैं। कई संत प्रसन्न है, कई संतों का आगमन हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे? वैसे तो आज बड़ा हर्ष का विषय है कि 500 वर्ष के बाद में ऐसा शुभ अवसर हुआ, प्राप्त हुआ है। प्रभु श्री रामलला आज प्राण प्रतिष्ठा होगी। और जैसे कि समझो कि किसी गरीब को, यानी कि किसी को सोने का घड़ा मिल जाता है, ऐसे ही आज पूरे भारतवासियों को, पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को मानो कि आज सोने का घड़ा मिल गया है। आज वो दिन आ गया है, ऐसा शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है, जो कि आज इन नज़रों से भगवान का हम दर्शन करेंगे और बड़ा सुंदर अवसर है, ये कहना चाहिए। कई संतों को भी वहाँ निमंत्रण मिला है, क्या कह सकते हैं कि वहाँ एक संत समागम भी होने वाला है अयोध्या में आज? जी बिल्कुल होने वाला है। आप अपनी कथाओं के माध्यम से क्या संदेश देते हैं अयोध्या को लेकर, भगवान श्री राम को लेकर? वर्तमान में आपकी कथा मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के चंदपत के गाँव निमन में चल रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सभी से हम यही कहना चाहते हैं कि भगवान जब अयोध्या में पधारे थे, उस समय सबने खुश होकर के अयोध्या में दीप जलाए थे, अपने घर पर तोरण द्वार बनाए थे। तो सभी से यही कहना चाहते हैं, हम कथा के माध्यम से भी कहते हैं और न्यूज़ के माध्यम से भी कहते हैं कि सब अपने घर के आंगन पर रंगोली बनाए, तोरण द्वार बनाए, घर पर ध्वजारोपण करें और जब प्रभु पधारे तो उनके आने के लिए स्वागत करें, मिठाइयाँ बांटें और मैं अपने आसपास के जो भी देवालय हैं, मंदिर जाए, वहाँ पर सब पधारे, दर्शन करें। कहीं ना कहीं लंबे वर्षों के बाद आज ये दिन आया है। वहीं अगर बात करें तो कार सेवकों ने भी इसमें काफ़ी बलिदान दिया है, कई लोगों ने अपना बलिदान दिया है, कई आज वहाँ निमंत्रण मिला, कार सेवकों के लिए आप क्या कहेंगे? उनके बलिदान का ही ये फल था कि आज हमें ये अवसर देखने को मिला है। तो उन सबके लिए, ऐसे तो प्रभु के लिए जो भी अपने मोक्ष को प्राप्त करते हैं, प्रभु सबको मोक्ष प्रदान करते हैं, लेकिन जिन्होंने बलिदान दिया है, आज उन सबके लिए भी हर्ष का विषय है कि कहीं न कहीं गुप्त रूप में आज वो भी अयोध्या में निवास करते हैं, किसी पक्षी के रूप में, किसी पंछी के रूप में। तो उनके लिए हम यही कहेंगे कि वो गुप्त रूप में भी प्रकट होकर के प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। आपने इस आयु में कथा वाचन, कब से आप कथा प्रारंभ करी आपने और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कथा करने की? ये कथा करने की प्रेरणा तो मेरे पापा का इच्छा थी कि ये भी इस मार्ग पर चले, और मेरे घर में हमेशा भक्ति का माहौल था, उसके चलते मेरा जो इस तरफ ज़्यादा रुझान भी था और पूरे घर का तो माहौल था ही सही। और मैं 8 वर्ष की उम्र से जुड़ी हुई हूँ, भगवान से कथाएँ करती हूँ, राम कथाएँ करती हूँ, शिव महापुराण करती हूँ, माया करती हूँ, अनेक अनेक प्रभु की कथाएँ करती हूँ। कहीं ना कहीं बाहर भी आपको कथा करने का मौका मिला होगा, क्या किस तरह से वहाँ का आपके प्रति विचार करते हैं? सभी जगह कथा करने का बहुत अच्छा अवसर भी मिलता है, और कथा को सुनकर के मानो कि सबको ऐसा लगता है कि उनको कथा अंदर बीट गई है। तो ये सब देख करके बड़ा लोगों के मन में तो भावना होती है। कहीं ना कहीं अयोध्या को लेकर संतों में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, उत्साह का क्या एक क्या उत्साह, पूरे संसार वासियों का उत्साह है, संतों का उत्साह है, कई हमारे दिया है, कई संतों ने योगदान दिया है और बड़े बड़े आंदोलन में सबने अपना सपोर्ट किया है, सहयोग किया है। तो आज बहुत अच्छा शुभ दिन है।
क्या आज का खास दिन है? आने वाले समय में इस दिन को कोई बड़ा त्यौहार या कोई अच्छा देखा जाए तो प्रशासनिक तरफ से, सरकार की तरफ से कोई दिन या कोई त्यौहार घोषित कर देना चाहिए? जी बिल्कुल, एक दिवाली तो हमारी होती है, तो ये प्रभु राम जब अयोध्या पधारे तो दिवाली मनाई थी, तो ये वापस से 2 महीने के बाद में फिर से इसे दिवाली के रूप में इसे मनाया जाए। और फिर कहने का मेरा एक तात्पर्य यही है कि हमारे भारत के जो राजा हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनके जीवन में वो तपस्या है, वो उन्होंने साधनाएं की हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उनकी साधनाएं फलती हैं देश के राजा की, तो वो सब जनता राम मंदिर को लेकर श्रेय किसको जाता है? राम मंदिर को लेकर के श्रेय संतों को जाता है, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी को जाता है और पूरे भारतवासियों को जाता है। और क्या कुछ कहेंगे राम मंदिर को लेकर, क्या आपके मन में अपने जो विचार हो व्यक्त करें चैनल के माध्यम से? मेरे मन में तो अपार खुशी है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ, और सबके लिए बड़ा हर्ष है, तो मैं अपने मुख से क्या वर्णन करूँ, क्योंकि मैं राम कथा के माध्यम से भी जब कथाएँ करती हूँ तो मुझे कथा कहते हुए भी बड़ा आनंद प्राप्त होता है। तो जब प्रभु ने अपने इतने कार्य किए कि छोटे से छोटे को भी अपने हृदय से लगाया है, पशु पक्षियों को भी अपने हृदय से लगाया है, यहाँ तक तो कि निषाद जो भिल लोगों की तरफ लोग देखना पसंद नहीं कर सकते, भगवान ने उनको भी अपने हृदय से लगाया। तो जब प्रभु इतने सहयोग करते हैं, इतना कार्य करते हैं, इतना संकट देखने के बावजूद भी सब लोगों को अपने हृदय में लगाते हैं। थैंक यू।